तीन महीना वर्ष खराब नहीं होता। कुछ घड़ियां हैं मानव जीवन की जो खराब होती है, उन घड़ियों की जानकारी इंसान को तो है नहीं। सतगुरु दयाल, उन्हीं घड़ियों में आपका बचाव करने के लिए कहीं न कहीं सत्संग का आयोजन कर देती और आपको उन घड़ियों से बचा लेती, लेकिन तुम सब उल्टा करते, तुम्हें मालूम नहीं कुछ। अरे भाई, सत्संग किसी आदमी का हो रहा, सत्संग तो सतगुरु दयाल का है, किसी प्रेमी के मुख से हो। आपको सुनना चाहिए, आपको तो जाके सुनना चाहिए। जब तुम सुनोगे तभी तुम्हारी समझ में आएगा कौन अपने लिए चिल्ला रहा, कौन जीवों के लिए चिल्ला रहा, कौन अपने स्वार्थ लोभ लालच की आवाज लगा रहा, कौन जीवों के परमार्थ की आवाज लगा रहा। जब जाओगे सुनोगे तभी तो आपके समझ में आएगा। तो देखिए, ये जीव की करनी है, ये करना। बाबा जी ने सन 1971 में कहा, बच्चा मैं बड़े मेहनत परिश्रम संघर्ष के साथ इस आध्यात्मिक बगीचे को तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना न हटने देना। आप गुरु के आदेश को मान रहे हो, तुमने एक जीव लगाया नहीं है, अपने स्वार्थ लोभ लालच की पूर्ति के लिए गुरु के लगाए करोड़ों जीवों को गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया है। बोलो, ये तुम्हारा अपराध माफ करने योग्य है, इसे कौन क्षमा कर देगा। जबकि बाबा जी ने कहा, मेरे सत्संग वचनों को सुनाकर अगर एक सांसारी जीव को तुम अध्यात्म के रास्ते पर सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1,00,000 यज्ञों के समान फल भी देगा। और आप ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या हो रहा है, देखिए अपनी कर्मी पर जरा दृष्टि डालिए। तुम कर क्या दे रहे, सब गुरु के खिलाफ, तुमको कुछ मालूम भी नहीं है। इसलिए पहले जब लोग काफिले में चलते थे, जहां कहीं झंडा देखा मकान पर, बड़े खुश होते थे, हमारे गुरु भाई का घर देखे, अपना घर समझते, मेरे गुरु भाई का घर देखे। लेकिन आज प्रेमियों, काल ने वो भी खत्म कर दिया। तुम झंडा देख कर जाओगे, जब दरवाजे पहुंचोगे तो नाश्ता पानी तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तुम जिंदा हो कि मुर्दा भी हो, ये पूछेगा। अगर तुमने कह दिया हम जिंदा में, रोचा दरवाजे में दिखाई मत देना, यानी जिंदा सुनना पसंद नहीं। जिस गुरु से नाम ना लिया, पाप कर्मों में माफी कराई, तमाम शारीरिक पारिवारिक व्याधियां दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कराया, आज उस गुरु को जिंदा सुनना पसंद नहीं कर रहे, तो ये दर्शन करना कैसे पसंद करेगी। विचार करो, आ जा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, जीव बिचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर कमाना क्या जाने, निंदा चुगली में
دیکھیے کیسی بھی ماں معاف ہو سکے. اور آپ شکایت الگ سے کرتے ہو کہہ رہا ہمارا بھجن نہیں بنتا کوئی کرتا, ہمارا دھیان نہیں بنتا کوئی کرتا, سمرن نہیں بنتا. تو سمرن دھیان بھجن کیوں نہیں بنتا؟ کارن کیا ہے کہ من مرا نہ اندری بھوگ تجا من مرا نہ اندری بھوگ تجا وہ سمرن کرنا کیا جانے وہ سمرن کرنا کیا جانے جو ست گر روپ بسانا دیکھا بنا دیکھے نہ دھیان کر سکتے. اور تم کو سب یہی سکھایا جا رہا, کوئی کہہ رہا رام کا دھیان کرو, کرشن کا دھیان کرو, ہنومان کا, شنکر کا, دیوی دیوتاؤں کا دھیان کرو. تم نے کسی کو دیکھا نہیں. اگر کوئی کنیا سے کہو اپنے پتی کا دھیان کر سکتی, ارے جب دیکھا نہیں تو دھیان کیسے ہوتا؟ اس لیے دھیان کس کا کیا جاتا؟ دھیان مولم گرو مورچن, پوجا مولم گرو پدم, منتر مولم گرو واکیم, موکش مولم گرو کرپا. گرو کی کرپا پر موکش نربھر, تمہارے کریا پر موکش نربھر نہیں ہے. اور کسی کی کرپا کب ہوتی؟ جب اس پر وشواس کرو, اس کے آدیش حکم کا پالن کرو, تبھی کرپا ہوتی ہے. کہ جن جو ست گرو روپ بسانا سکے جو ست گر روپ بسانا سکے وہ دھیان لگانا کیا جانے وہ دھیان لگانا کیا جانے جو سورتی سچ سے جڑنا سکی جو سورتی سچ سے جڑنا سکی انتر کا ترانا کیا جانے انتر کا ترانا کیا جانے ست سنگ سار ہے جیون کا ست سنگ چار میں چھ سات اٹھارہ پران انیس فیصد اور چھتیس رجائیں دھن چرچا لکھے. یہ سب تم کٹھاست کر لو, یاد کر لو, رکھ لو تو کیسے جیواتما جائے گی؟ جیواتما اور سنتوں کے سب جان سے, یہ اچھے جان سے نہیں سب جان سے جاتی ہے. اسی لیے سنت چھر اچھر نیچر کے پار اچھا تیت ہے, وہاں اچھے ودیا کا کوئی کام نہیں ہے. وہ شبد شبد کا گیان ہے. اسی کو ودوانوں نے کہا کہا کہ آکاش وانی, برہم وانی, انیت وانی, ایشور وانی. مسلمان فقیروں نے کہا کرم آیا یہ منس مندر جس وانی میجد میں چوبیس گھنٹے ہو رہے ہیں.
लेकिन जिसकी जीवात्मा का दिव्य कान खुलेगा उसको सुनाई देगा और दिव्य आंख खुलेगी उसको इन दिव्य लोगों का दर्शन होगा। इसके पहले केवल बांस पर सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए महापुरुषो ने क्या कहा कि जो लिए किताबी ज्ञान फिर जो लिए किताबी ज्ञान फिर वो सूरती जगाना क्या जाने वो सूरती जगाना क्या जाने अचिन नाम कमाई करी सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। जब जीवात्मा जगेगी उधर की तरफ मुखातिर होगी तब वो दिग्ग दिग्ग लोगों का वर्णन करेगी देख करके, सुन के नहीं देख करके, वो सत्संग होता है। आपको तो कुछ पता नहीं कि सब किसी ने दो चार किताबें संतों के उठाई रख ली और इनकी सुनी उनकी सुनी और किया एक मिनट भी नहीं और फट से भाषण दे दिया था, वो फंस गए सब, सब फंस गए वक्ता प्रवक्ता। प्रेमी वो संत भक्त कथनी का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं है, प्रचन का विषय नहीं है, करनी का विषय है। करनी करो मार मंडालो इंद्री भव विसारो, इतना काम करो तुम की फिर आगे की सतगुरु जाने। तब सतगुरु दयाल कृपा दया करेंगे ऐसे जैसे तुम भाषण स्पीच करते कुछ नहीं और भाषण स्पीच करते रहे, सबको सुनाते रहे, अपने मन को सुनाया नहीं, अपने मन को समझाया नहीं, तुम्हारे मन ने ही तुमको और धोखा दिया और गुरु के वचनों से तुमको अलग कर दिया, तुम्हें भक्ति छोड़ करके। इसलिए संत मत में वक्ता प्रवक्ता अध्यक्ष मंत्री ये बाहर का पाखंड प्रदर्शन कुछ नहीं, वो है आत्मदर्शन का विषय। संत मत आत्मदर्शन का विषय, वहां प्रदर्शन का कोई काम नहीं। प्रदर्शन करोगे फंस जाओगे और अपने मत से अपने लक्ष्य से अलग हो जाओगे, आप अपना अनुसरण करोगे। तभी कहते हैं कहत सुनत समझत बनत, साधन कठिन विवेक है। कहते कहने में नहीं, सुनने में नहीं, सुनाने में नहीं, समझने में और करने में ये तुम्हारे पास आ जाएगी और भाषण कर दोगे तो चली जाएगी। इसलिए कहना न बोलना कुछ, ताले जुआ पे रखना। संतों ने तो ये कहा है वैसे मत बोल, लेकिन गुरु आदेश हो जाए तो हर चर्चा में जरूर खोल, वैसे मत बोल, वैसे नहीं आपको बोलना है। पर ये सब चीजें छिपाने की है, लेकिन तुमने कमाया तो कुछ नहीं। जब ये बताओ दो चार दस रुपए तुम्हारे पास होते तो छिपा के रखते हो कि जेब के ऊपर लटकाते हो, वो भी छिपा के रखते हो। ये संसारी दौलत और ये आध्यात्मिक दौलत जो गुरु का खजाना, ये दिखाने और सुनाने के लिए था, पर तुमने ये किया ऊपर नुकसान कर दिया और तुम ही अलग हो गए, तुम ही इस लाभ से वंचित हो गए हो। तो क्या कहा है कि जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नाम कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग चेत करे सत्संगत, आगे चेत करो सत्संगत।
सब माने, गुरु वचन को सब माने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जो फंसे काल के चक्कर संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, ये माया में ग्रसित भय प्राणी, माया में ग्रसित भय प्राणी, इस पर भेद ही भला क्या पहचाने, उपस्थित सत्संगी जरूर, ये है सत्संग की महिमा। कहते जाप पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल, सतगुरु दयाल की कृपा से जीव जगेगा, उनके वचनों से जगेगा, इसीलिए महापुरुषों ने आपको समझा के कहा है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, 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 दो आंसू बहाना कठिन है, रह के दो आंसू बहाना कठिन है, सत्संग सेवा ये साधन न भाकी, सत्संग सेवा ये साधन न भाकी, अपना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है, बड़े भाग दे अब किन्नर तन मिला है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन 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 है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना
उधर से पाना कच में है अपना गुरु प्रभु उधर से पाना कठिन है बिना गुरु प्रभु उधर से पाना कठिन है बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है बिना प्रेम संसार सब है ये सुना बिना प्रेम संसार सब है ये सुना और यहाँ प्रेम करके निभाना कठिन है 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 बिना गुरु के पापार जाना कठिन है बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है अभी रह के दो आंसू बहाना कठिन है रह के दो आंसू बहाना कठिन है यह बहुत सागर बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता और आपने सतगुरु देव का हाथ छीन दिया कहा पकड़ लो हाथ मैं तुमको बचा दूंगा सतगुरु देव ने गुरुभक्त की कितनी अच्छी पहचान आपके सामने रखी तमाम तरह के दृष्टांतों को तुम्हारे सामने सत्संग में रखा गया कि तुम अपनी गुरु भक्ति को पका लो गुरु भक्ति पर खड़े रहो और तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा एक बार एक गुरु भक्ति के अंदर इच्छा उठी वो सोचता कि चलो नदी के उस पार देखे क्या होता तो उसने नाव का सहारा ले लिया जब नाव पर बैठ गया थोड़ी दूर नाव चली उसको एक तूफान दिखाई दिया वो तैर नहीं पाता था बहुत चिंतित हुआ उसी चिंता में अंदर अपने गुरु को याद करने लगा गुरु ने देखा कि आज तक तो कभी इसने मुझे याद नहीं किया आज ऐसी मुसीबत में मुझको याद कर रहा है जरा इसकी परीक्षा लेके देखें ऐसी मुसीबत में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेगा तो परीक्षा के लिए गुरु ने एक नदी से हाथ दिखाया पकड़ ले मेरा हाथ मैं तुझको बचा लूंगा वो पूछ रहा तुम कौन हो कहा हमें भगवान अरे कहा मैंने भगवान नहीं देखा मैंने इन आंखों से गुरु देखा है अगर मेरा गुरु सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा और किसी का नहीं प्रेमी नाव थोड़ी दूर और चली तूफान और करीब उसको आता दिखाई दिया फिर अंदर में घबरा के गुरु को याद कर रहा गुरु ने देखा कि देखें ऐसी समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या आप किसी दूसरे का सहारा ले लेगा तो परीक्षा के लिए गुरु ने नदी से दूसरा हाथ दिखाया पकड़ ले मेरा हाथ मैं तुझको बचा लूंगा कहा तुम कौन हो जो बचाने की बात करते हो कहा हमारे भगवान के भगवान और खुदा के खुदा अरे कहा मैंने भगवान नहीं देखा मैंने इन आंखों से सिर्फ अपने गुरु को देखा मेरा गुरु अगर सामने आ जाए तो मैं पक्का विश्वास करूं और किसी का नहीं नाव भी धार में पहुंच गए प्रेमी और तूफान ने झपट्टा मारा नाव डगमगाने लगी नाव में पानी भरने लगा तैर नहीं पाता था इतना घबरा गया जो अंदर में गुरु के लिए आवाज निकाल रहा था आवाज बाहर में निकल गई बचाओ गुरु बचाओ गुरु बचाओ गुरु गुरु ने कहा देखे ऐसी अहम समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी दूसरे का सहारा लेगा तो गुरु ने दरिया से तीसरा हाथ दिखाया पकड़ ले मेरा हाथ मैं तुमको बचा लूंगा
پوچھ رہا تم کون ہو جو بار بار بچانے کی بات کرتے ہو؟ کہا میں ہوں دادا گرو. کہا میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا, میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا. گرو نے سمجھا کے کہا اس طرح کی دڑکا, اس طرح کی مضبوطی اور اس طرح کی آسکتی لگاؤ اور قربانی جس گرو بھکت کو اپنے گرو پر ہو گئی وہ گرو کی دیا پانے کا پورا ادھکار بنتا. آپ میں سے کوئی ایسا نکلا کسی نے گرو کی سرم کو پکڑا سو سر چھوڑ کے ادھر ادھر چل گیا, اور جن کے پاس گئے ہو ایک مہاسرابی ہے ایک مہاسوستی لو بھی لوچی کیا ان سے تمہارا کام ہو جائے گا؟ یہ بھوساگر سے پار کر دیں گے کیا؟ بھوساگر پار یہ کھڑے ہیں یا ان کی آتما جگ گئی ہے, پرماتما سے مل گئی ہے, یا ان کے پاس کوئی نام جہاز یعنی خود کا ہے جس پر بیٹھا کر تمہاری جیوتما کو تمہارے گھر پہنچا دی تھی؟ یہ تم بسوں میں جان کر کے رکھنا چاہیے, آپ کے پاس کوئی بچا نہیں تھا. ایک دم کھل منڈلی سے پرمیوں اس طرح کدھر کا منو تھی, مہاتماؤں نے کتنے پرمان آپ کو دیے. ایک مہاتما جی نے دو شیشوں کو لے کر کے نام کی مہما گرو کی مہما بتانے کے لیے چلے, اور جیٹھ کا مہینہ تھا, دوپہرے نکالنے کے لیے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. چیلوں نے کہا کہ گرو جی ہم کو تو بھوک لگی, کہا جاؤ گاؤں سے روٹی بند کیا. کہا سرکار ایسا روٹی کون دے گی؟ کہا اچھا جانا دروازے پر کھڑے ہو کے آواز لگانا گرو ہمارے بندی چھوڑ, گرو ہمارے بندی چھوڑ, ست نام صاحب بندی چھوڑ. دیکھو گرو نے سب بتا دیا, اگر کوئی پرمارتھی جیو ہوتا تو پھر سے پوچھتا گرو جی جب آپ بندھن مکت کرانے والے ہو تو ہم کو روٹی اور بھی کے بندھن میں کیوں بند رہے؟ لیکن سواتھی لوبھی لالچی کبھی گرو کے بچوں پر دھیان نہیں دیتا, وہ تو اسی چکر میں رہتا ہے گرو جی کب چوک جائے ہم داؤں لگاتے, وہ گرو کو بھی ٹھگنے ہمیں کی کوشش میں رہتا ہے. یہ پریمیوں سواتھی اور پرمارتھی جیووں کی یہی پہچان ہے, مانگنے کھانے نہ دے بولو. لیکن گرو جی روز پوچھتے تھے ارے بھائی کوئی ملا؟ کہا حضور کوئی نہیں ملا. ایک دن کا واقعہ ہے, ایک دروازے پر انہوں نے آواز لگائی چیلوں نے کہ گرو ہمارے بندی چھوڑ, گرو ہمارے بندی چھوڑ, ست نام صاحب بندی چھوڑ. تو وہاں ایک پنجرے میں توتا بند تھا, توتا ٹگا تھا دروازے پر. توتے نے کہا ارے بھائی ادھر آؤ, کیا گرو تمہارے بندی چھوڑ ہے؟ بچا کرے گرو نے کہا میرا سندیشا اپنے گرو سے کہہ دینا کہ ہم کو لوگوں نے زبردستی اکارن نیپرات بے گناہ اس پنجرے میں بند کر دیا, میرا بندھن کیسے کٹے گا؟ دیکھو توتا بھی کیول چیلوں سے سنا, نہ گرو دیکھا نہ گرو سے سنا ہے, کیول چیلے کے بچنوں پر وشواس کر رہا ہے کہ جانا اپنے گرو سے میرا سندیشا کہہ دینا کہ میرا بندھن کیسے ٹوٹے گا. جب وہ گئے شام کو گرو نے پوچھا بھائی کو ملا؟ وہ تو دیکھ رہے وہیں سے, ان کی تیسری آنکھ کھلی ہے, بھوت وش ورتمان کو سب کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی کوئی ملا؟ کہا سرکار آج انسان تو کوئی نہیں ملا, ایک توتا پنجرے میں بند تھا. اس نے جب آواز سنی اس نے بلا کے کہا رہے بھائی گرو تمہارے بندی چھوڑ ہے تو میرا سندیشا کہہ دینا اپنے گرو سے, یہ میرا بندھن کیسے کٹے گا؟ جیسے سنا اور گرو نے فوراً جھکتی بتا دی, ایک دم زمین پر لیٹ گئے اور ہاتھ پیروں کو پھیلا دیا. لیکن سواتھی لوبھی لالچی اس اشارے کو نہیں سمجھ پائے, وہ کہہ رہا گرو جی بیمار ہو گئے, کوئی گس مورچا ان کو آ گئی. ایک چیلا ہاتھ میں پانی کا چھیٹا مارنے لگا, دوسرا پنکھا کرنے لگا. آدھا گھنٹے کے بعد جب گرو نے آنکھ کھولی پھر بھی نہیں پوچھا کہ گرو جی آپ نے توتے کے لیے کوئی سمسیا کوئی وکلپ سمادھان بتایا, جکتی بتائی ہے یا آپ کو کوئی بیماری گس مورچا لگ گئی؟ کچھ نہیں, پھر مانگ دکھانے لگے. جب اسی دروازے پر دوسرا راؤنڈ چکر پڑا,
दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई तो तेने कहा रे भाई मेरा संदेशा अपने गुरु से कहा, क्या चंडाल कहीं का तेरा संदेशा का मेरे गुरु बेकार हो गए तो क्या हो गया। कहा जैसे मैंने तेरा संदेशा कहा गुरु एकदम जमीन पर लेट गए और हाथ पैरों को फैला दिया। तोता कह रहा रे भगवत गुरु ने चुप्पी बता दी, हमको यही करना चाहिए। प्रेमियों देखो क्या नेरे क्या दूर, गुरु की नदी की दूरी नहीं होती है। जो वचनों पर विश्वास करता है, गुरु पर विश्वास करता है, उनकी बताई युक्ति पर विश्वास करता है, वो गुरु की दया और लाभ पाने का पूरा अधिकारी बनता है। तोता भी दर्शन करने नहीं गया, न अपने कान से गुरु की वाणी सुनी थी, केवल चेलों के द्वारा प्रचार सुना और सुन करके क्या कह रहा कि गुरु ने जुत्ती बता दी, हमको यही करना चाहिए। पोपे ने थोड़ा पीठ नीचे की पैर ऊपर कर दिए, मरने की स्थिति बना दी। जब वो खाना देने वाली आई उसने खिड़की खोली देखा तोता मर गया, पकड़ करके फेंका तो तोता फंस से उठ। ये है बंधन मुक्त होने वाले, क्या मेरे क्या दूर, जो गुरु के वचनों पर विश्वास करता है, गुरु पर विश्वास करता है और गुरु भक्ति अपनी मजबूत रखता है, वो गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी बनता है। सारे सारे महापुरुषों ने सत्संग सत्संग के माध्यम से आप सबको समय पर बता दिया, लेकिन आपने उनकी इशारों को समझा नहीं। गुरु जी ने पहले ही कहा था जो सैन बैन न समझे उससे कछु न कहे, जो सैन इशारा और बच्चों को नहीं सुनता उसके साथ समय खराब मत करो। वो काल का जीव है, कभी दयाल की बात न सुनेगा न समझेगा न मानेगा न अपनाएगा, क्योंकि उसको सजा मिली गई। मैं वो सब ने इशारा करके आता, लेकिन कितने लोग पहचान पाए, कितने लोग रूप पाए। बाबा जी ने एक इशारा किया था, कहा था बच्चा मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले 1500, लेकर रखने वाले कोई 2-400 और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है, वो बिरले कौन है जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते, परमात्मा से मिलाना चाहते, अपने घर मुकाम मंडल लोग हमेशा के लिए जाना चाहते हैं, वो कौन है और कौन इसी संसार में मान सम्मान सामान में फंस करके रहना चाहते हैं। यही परीक्षा थी और इसी परीक्षा को हम नहीं समझ पाए। प्रेमियों परिवर्तन के लिए राम को अयोध्या छोड़नी पड़ी थी, अयोध्या छोड़नी पड़ी राम को 14 वर्ष। परिवर्तन ऐसे नहीं होता है, परिवर्तन के लिए राम को अयोध्या छोड़नी पड़ी, कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी, गोकुल में बसना पड़ा। आज सतयुग आना, कलयुग को भगाना, इस परिवर्तन के लिए बाबा जी को मथुरा आश्रम छोड़ना पड़ा है। ये परिवर्तन की कहानी सबके साथ जुड़ी है, लेकिन तुम ना पिछले कहानी को समझ पाए हो न वर्तमान में अपने गुरु की लीला को समझ पाए हो। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था आगे भविष्य में बच्चा एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना, मेरे उस खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। आवाज ये थी परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से, सच्चे ईमानदारों से, सदाचारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से परिवर्तन होगा। अगर ये छतरी न होती तो तुम इतने बड़े जनसैलाब में समझ पाते कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन असली है कौन नकली है, कौन गुरमुखी है कौन मनमुखी है, कौन सत्संगी है
कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है, कौन कौन गुरु महाराज का सच्चा आशिक है, कौन गुरु की गति संपत्ति धनदौलत मान सम्मान का आशिक है, आप ये कैसे पहचान करते? पहचान हमेशा परीक्षा ही कराती, बिना परीक्षा के कोई विद्यार्थी अपनी योग्यता नहीं बता सकता है, चाहे रात दिन पढ़ता रहे लेकिन योग्यता बताएगी तो परीक्षा ही बताएगी। इसलिए लीला हर युगों का विषय है और जो नाम समय का आया उसी नाम से लीला हुई। सतयुग में हरि नाम जगाया गया, हरि लीला हुई और त्रेता में राम नाम जगाया गया, राम लीला हुई। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण लीला हुई। कलयुग में गुरु नाम जगाया गया, प्रेमियों गुरु लीला हो रही। अरे तुम शंका क्यों करते हो, तुम शंका क्यों करते हो? लीला का इतिहास उठा लो कि भक्तों को हमेशा कष्ट मिला, मुसीबत मिली, आपत्ति मिली, सताया गया, उनको मतलब तरह से ऐसे अपमानित, कलंकित और दंडित किया गया। भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है, जब तक भक्तों का अपमान नहीं होगा कुदरत सजा नहीं देगी। यह सब आपके सामने हर युग में हुआ है और आजकल युग में कोई नई बात हुई, लेकिन तुम्हारे समझ में न उस युग का इतिहास न इस युग का इतिहास, यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। तो सदगुरु के दरबार में शिष्य बहुत बनते हैं लेकिन भक्त कोई कोई बनता है। जैसे राम के साथ जामवंत, नल्ली, रंगत सभी भक्त बने थे उनके, सभी शिष्य बन गए, लेकिन पूजा हनुमान की ही क्यों होती है? हनुमान जैसा भक्त नहीं था जो अपने गुरु आराधिष्ट राम के प्रति कोई शंका नहीं करता था। राम ने उसकी एक परीक्षा ली, कहा जरा इसको लंका भेज के देखे। अगर हनुमान ये सोचता कि लंका इनके दुश्मन की नगरी है, अपने दुश्मन के घर हमको भेज रहे, दुश्मन के हमको चिंता छोड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं, आदेश आदेश होता है। स्वप्न में भी अपने गुरु आराधिष्ट के प्रति वचनों में कोई शंका नहीं किया और एकदम लंका में कूद पड़ा, अपमान हुआ, सताया गया, कूच में आग भी लगा दी गई, लेकिन परीक्षा में पूर्ण सफल हुआ और आज जिस मंदिर में राम की पूजा उसी मंदिर में हनुमान की पूजा हो रही। देखिए कोई अंतर नहीं होता भक्त भगवान में, साध और गुरु में कोई फर्क ही नहीं होता है, बसते साध होना चाहिए जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साधा हो, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसको ही साध कहते। और तुमने कुछ अभी साधे पकड़ा नहीं, जो नामदान पकड़ाया गया वो भी छोड़ दिया, गुरु की शरण पकड़ाई गई वो भी छोड़ दिए, गुरु ने वचन वादे पकड़ाए वो भी आपने छोड़ दिए और भुला दिए, तुम अपने को साध कैसे कह सकते? जब तुमने गुरु का दिया कुछ पकड़ा नहीं, सब छोड़ छोड़ दिया। इसीलिए कहा है महापुरुषों ने कि तुम कैसे पहचानोगे कि संसारी और ससंगी को, कि दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है और संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। संत महापुरुषों ने कुछ बाहर से थोड़ी पहचान का इशारा किया है कि सत्संगी संस्कारी जीव कैसे होते,
करे नित सत संग सेवा भाव भाती मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो साथी करे नित सत संग सेवा भाव भाती मानेगा जो गुरु सीख पाने की सहज तरकीब है संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है नसीब है संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है इसे जो समझे वही तो हबीब है संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है जीव फसे जग झूठी चरता सुतदारा परिवार की ममता अजीव फसे जग झूठी चरता है गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है गुरु बिन तेरा नाम कोई महबूब है संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है नर ही का इमर मुन जाना अभोगों का तू संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है शरण में वो आएंगे जो जग के करीब है संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है अब भी जागो जुगत कर लो चौरासी का कुछ कर लो चौरासी का फेर बचा लो अब भी जागो इज्जतन कुछ कर लो चौरासी का ये फेर बचा लो अब भी जागो जतन कुछ कर लो
चौरासी का फेर बचा लो। कहते हैं संत गुरु की ये महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। ऐसा कहां सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में आते तो बहुत, लेकिन रुकता है कोई कोई, अपना काम बना पाते हैं कोई कोई, जो शंका संदेह भूल भ्रम से अलग होते, लोग लालच स्वार्थ से भी अलग होते, मान सम्मान प्रतिष्ठा से भी अलग रहते, वो शरण में ठहर पाते हैं, वही अपनी जीवात्मा का उद्धार करते, क्योंकि गुरु के शरण में आने वाले साधक के लिए क्या कहा महापुरुषों ने, गुरु भक्ति जड़ कर पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोहजत कभी न काटा जाए। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति जड़ किए जीव न पाने चाहे। मोटे बंधन जगत की गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और मोटे जब तक जाए नहीं झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाओ। ये गुरु भक्ति कमाने का, भक्ति माने आदेश हुकुम का पालन, बचनों पर विश्वास युक्ति पर विश्वास करना, यही भक्ति कहलाती है। और आप भी नहीं कर पाए कुछ, अन्य महापुरुषों ने संतों ने चार जन्म में उद्धार के लिए कहा है। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। लेकिन सदगुरु दयाल ने आपकी बार जीवों को जो नाम दान दिया, अगर कहा मेरे पर विश्वास करो, मेरे बच्चों पर, मेरे युक्ति पर, और मेरे सामने कमाई कर लो, तो एक ही जन्म में पार हो जाओगे। सदगुरु दयाल ने एक जन्म में पार करने का वादा किया और आपने उसी बात में उसको भुला दिया। अन्य ने तो चार जन्मों की बात कही है। सिंह दहन सतगुर दहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर है चरण दूसरी बात। सिंहनी एक बार बच्चा देके मर जाती है, कहा यह समय की एक ही बार, त्रिया तेल एक ही बार चलता है हमीर। और सतगुरु जिसको पकड़ लेते हैं एक ही जन्म में बात करते थे। अगर उनके बच्चों को मान लो, उन पर विश्वास कर लो, नाम की कमाई यानी निमिष मात्र आदेश को मान के करने लगो, तो कहते एक जन्म ही दिन चला जाएगा। तो तुमने तो उन्हीं को छोड़ दिया, तुम्हारा तो जाना आना तो का प्रश्न खत्म हो गया। तुम कैसे जाओ, किसके साथ जाओगे, कौन ले जाएगा तुमको? तुमने समर्थ गुरु का हाथ छोड़ दिया। अरे तुम्हारी पकड़ ढीली थी, गुरु की पकड़ ढीली नहीं थी। अगर तुमने संभाल के बच्चों को पकड़ लिया होता और विश्वास करते रहते, निस्वार्थ साधन भजन स्मरण ध्यान करते रहते, तो तुम्हें कोई शंका संदेह भूल भ्रम में डालने वाला पौधा ही नहीं हुआ था। तो किसने पहचाना मेरे में, किसने पहचाना? देखो हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, बड़े ध्यान से सुना, हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जिनकी रूह की तीसरी ओर कम खुला हुआ, वो सदगुरु दयाल की पहचान पहले बता दी गई।
कहा था 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद पोशाकधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई आज संपूर्ण इंसानी जात को बताएगा। कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का, जात पात का, छोटे बड़े गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान रूप से परमात्मा पाने की खुदा के दीदार की युक्ति देगा। क्या लिखा मोहम्मद साहब, जब वो फकीर अपना एक हजूम काफिला लेकर कहर दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहर दरिया, हिंदी में सरजू नदी कहते, जो प्रेमी अयोध्या के काफिले में रहे होंगे शायद उनको ये वचन याद आ जाएंगे। मोहम्मद साहब क्या लिख रहे हैं, जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहर दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। प्रेमी आज के 1400 वर्ष पहले कोई तार कोई डामर जलता था, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की यानी रूह की तीसरी आंख की बात को दिखाई है, उससे भविष्य अद्भुत वर्तमान तीनों दिखाई देती है। क्या कह रहे हैं, जो भी गुनहगार उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नदियों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। मोहम्मद साहब लिख रहे हैं, जो उस फकीर के बचड़ों को न माना, उन पर न विश्वास किया, तो काश कयामत आ जाएगी। उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते हैं, कहा प्रलय हो जाएगी। देखिए पहचानने वालों ने कितने पहले पहचान दी, अब तुम 24 घंटे साथ लगे ने कुछ नहीं पहचान पाए। दूसरी पहचान कबीर साहब ने दिया, जो सर्वप्रथम इस संत मत के जन्मदाता है, इन्हीं से संत मत चला है। जब उनका पूरा समय हो गया, देखो कोई चोरी से चुपके नहीं जाता है, अपने शिष्यों को बुला के बैठाला और कहा कि भाई मेरे अंदर एक इच्छा उठी है। कहा साहब क्या इच्छा, कहा मैं चोले को बदलना चाहता हूं, पुराना हो गया। उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मराज जी थे जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, उन्होंने कहा साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, तुम दूसरा शरीर धारण करोगे हम कैसे पहचानेंगे। कहा मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए। कहा मेरा एक शब्द लिख लो। क्या कहा, हंसा धमरियो मत हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका कहा हम यज्ञ करावेंगे। ये काशी मुक्ति का धाम बताया जाता है, मैं वहां पर मेरी पहली पहचान तुम आने की समझ लेना, मैं उस धार्मिक नगरी में साकेत महायज्ञ कराऊंगा। 25 फरवरी 1979 को बाबा जयमुर्दा जी महाराज ने साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। फिर कहा कि धर्मदास जी बीच बीच में पूछते जाते जीवों की शंका के लिए कि साहब ये सब कैसे कैसे होगा, कैसे संदेश आपका कहां कहां जाएगा। कहा लिखो, 4 वर्ष 36 जाति हम घर घर अलग जगाएंगे, मेरा संदेश ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र अध्यक्ष सबके यदि मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय सबके कानों तक मेरा संदेश पहुंचेगा। और कहा मैं जो अब की बार आया हूं केवल तो ही जातियों को मैंने उपदेश दिया, अब की जगह यूं कोरी चमारा कि अब की बार मैंने कोरी और चमार दो ही जातियों को मैंने जगाया है, लेकिन जब अब की बार आऊंगा तब चाहू राजन दरबारा मेरा संदेश राजनीतिक लोगों के कानों तक पहुंचेगा। बाबा देवर्धन जी महाराज ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर राजनीति की शुद्ध परिभाषा और शुद्ध जानकारी राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचा दिया।
یہ کبیر کی دوسری بانی سدھ کہتی. دھرمراج جی پوچھ رہے ہیں صاحب یہ پرچار کب کراؤ گے, کس نام سے آپ پرچار کرائیں گے, ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ کہا لکھ لو گرو نام کا جنتا لے کے ہم سب کا ڈھول بجاؤں گی. میں گرو نام سے پرچار کروں گا اور سب کا گیان نام دان دے کر جیواتوں کو جگاؤں گا. میں دونوں کام کرنے کے لیے آؤں گا, ادھر سماج دیش کا سدھار اور ادھر جیواتما کا ادھار. میں دونوں کام اور دونوں نام بناتمک نام جے گردے اور دھنیاتمک پانچ نام, اس سے جیواتما کا ادھار اور اس سے سماج دیش کا کلیان, میں دونوں کام کرنے لوں گا. دھرمراج جی کہہ رہے صاحب یہ پرچار کب کرائیں گے آپ؟ کہا کہ کوٹن جیو کو تراس دے گی ہم ڈوبت ہنس بچاؤں گے, جب کروڑ جیو کال کے گال میں چلے جائیں گے, ہنسا مار کا خون خرابا جب دیش میں ہونے لگے گا, یہ سب جیواتمائیں اکال موت میں جانے لگے گی, تب میں شاکاہار کا پرچار کرا کے ایک سماج میں برام لگا دوں گا. وہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے دوارا کرایا گیا لیکن تم نے کر کے بھی نہیں سمجھ پایا کہ گرو نے ہم سے ہی کرایا اور ہم ہی بھول گئے. تم ہی بھول گئے, تم ہی نے پرچار کیا, تم ہی بھول گئے, تم ہی نہیں سمجھ پا رہے ہو. تو دھرمراج جی کہہ رہے ہیں صاحب کیا سب تمہارے شش بن جائیں گے, سب تم کو اپنا سدگرو مان لیں گے؟ کہہ رہے نہیں دھرمداس, آج سے نہیں وہی ہمیں پہچانیں گے جو میرے پرانے جیو ہیں, وہ جن کو میں نے سبد کا گیان دیا ہے اور ان کو ست لوک سچکھنڈ انامی دھام پرمو دھام ان کی جیواتما کو پہنچانے کا جو میں نے وعدہ کیا ہے, وہی جو مجھ پر وشواس کریں گے یقین احتیاط کریں گے وہ بھکت میرے اس نام جہاز پر بیٹھیں گے. وہی کیا ہے نام جہاز؟ نانک جی نے کیا اشارہ کیا تھا, نانک نام جہاز ہے بسرے گھڑی نہیں. نانک جی نے کہا سمے کا نام ستگر کے دوارا آئے گا, اس نام پر جو لوگ وشواس کریں گے. اس کو بڑا بڑا پوچھا, یہ سب تین ناٹکے ہیں, ان کو پکڑ کر کیا ترنت ان کو باندھ دیا کرو رج, ستسنگ کے سمے ان کو باندھو کسی بول میں. یہ پورے کال کے جیون سے کرمنڈل کرتے آ گیا تو کہا کہ جو میرے پرانے جیو ہے وہی مجھ کو پہچانیں گے, وہی مجھ کو سدگرو مانیں گے, انہیں کا ادھار ہوگا, باقی ان کو یہ امیدوار بن جائے گی, یہ مانو یونی پانے کا ادھیکاری بن جائے گی. اور آپ کو تو یہ سب دھیان میں رکھنا چاہیے. تیسری پہچان یعنی سنت گوسوامی جی مہاراج رام چریت مانس میں دیا ہے, کہا جب کلیوگ کا جیو گرو کو بھول جائے گا, ست سنت کو بھول جائے گا, ستگرو کو بھول جائے گا, تب کا پرم سنت ستگرو سچا ستیہ نواسی مالک روحوں پر رحم کرنے کے لیے متر منڈل پر آئیں گے اور جیووں کو اپنی دعا دیا کا بھنڈار لٹائیں گے. کون سا کام کریں گے؟ گوسوامی مہاراج نے کیا لکھا, کسن بھوکے جیو ہو میں جاوہی اچن میں کوٹی اگنا سو تبہی. کہا وہ سدگرو دیال ایسی کرپا دیا کریں گے کہ جیو میرے سامنے اگر آ کے کھڑا ہو جائے گا, میں اپنی دیا مہر آلود کی نظر ڈال کر اس کے انت جنموں کے پاپوں کو چھ کر دوں گا. یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ کہتے میں اپنی دیا درشتی ڈال کر, کوئی تمہارے پر درشتی ڈال کر کے تمہارے پاپوں کو دور کرے گا؟ تم ذرا سا نہیں سارا نہیں سمجھ پائے کہ سنت کسے کہتے ہیں, ستگر کسے کہتے ہیں اور پرم سن ستگر دیال کسے کہتے ہیں. تم نے سنتوں کی پرمپرا کو نہیں جانا اور کلیوگ میں سنت ہی آئے, سنت جو سب کا انت کرتے, آپت مصیبت بیماری مہاماری لڑائی جھگڑا دیوی پرکوپ درگھٹنا اکال موت اس کا انت کر دے, اس کو سنت کہتے ہیں. اور
सतगुर सत माने ईश्वर और ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और सतपुरुष का दर्शन दीदार करा दे और सतलोक सत्संग अनादि धाम प्रभु धाम इन जीवात्मा को पहुंचा दे उसको सतगुर कहते हैं। प्रेमियों सतगुर समय का एक ही आता है, दो चार नहीं आते। सतगुर एक गुरु बहते हैं, संसार में गुरु तो बहुत और आपके शरीर के साथ सात गुरु इसीलिए जोड़े गए। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसरे गुरु भाई वो दाई जो ज्ञान मास की मैल छुड़ाई, तीसरे गुरु नाम जो धारा ले ले नाम जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार चीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरण कीना और छठवा गुरु भरम सतारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवा सतगुरु और शब्द लिखाया और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। ये है सतगुरु का खेल, ये उनकी लीला, ये उनकी दया का प्रमाण है। और आप कुछ नहीं समझ पाए, तुम्हारी समझ में तुम लगे रहे पीछे साथ नहीं समझ नहीं पाए। पहचानने वालों की ये इन्होंने पहचाना, संसार में किसी ने पहचाना बाबा जी को, जबकि इतना खुला प्रचार धरती पर किसी ने नहीं किया। कबीर से लेकर जितने संत आए, जो जीव उनके पास गया सेवा और श्रद्धा भाव देखा तो कर्ण में नाम दम तो दे दिया, लेकिन इस तरह खुले मैदान में लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नाम दम नहीं दिया है। यह समृद्ध गुरु की पहली पहचान है, ये काम कोई नहीं किया किसी ने। और आप अपने उस समृद्ध सदगुरु को नहीं पहुंच पाए कि मेरा गुरु कितना महान कितना दयालु है, सारी सृष्टि को नाम नाम सुना रहा है, ये काम किसी ने किया नहीं यहाँ पर। और आप कुछ नहीं समझ पाए। प्रेमियों जबकि लिखा खर जाने खगई के भाषा ता से उमा गुप्त कर रखा, पक्षी की बोली पक्षी जान लेता है, जानवर की बोली जानवर पहचान लेता, अगर कोई संत होता तो इनकी आवाज को जरूर पहचानता। जिन्होंने हिंदुस्तान में घूम घूम करके कोई प्रांत कोई जिला कोई तहसील ब्लॉक शहर कस्बा गली गांव पूछा छोड़ा है, जंगल पहाड़ भी नहीं छोड़े इन्होंने, जहाँ पर नाम धन न दिया हो और अपने काम करने की सूचना और परिवर्तन की आवाज को लोगों के कान तक न पहुंचाया। लेकिन तुमने कुछ नहीं समझा, किसी की आवाज मिली है, एक आवाज आई है, शायद तुम उनका नाम जानते हो सुना होगा, संत साईं बाबा। साईं बाबा का नाम सुना आपने, इन्होंने बाबा जी को पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना। उनका एक फॉलोअर इंग्लैंड का, मैं कहूं दक्षिण भारत में, ये संत गुप्त संत है और कर्नाटक प्रांत के श्री गांव में बैठा, इसकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है, ये बाबा जी का पर्चे बता रहा। जब उसका एक फॉलोअर अंग्रेज इंग्लैंड का मथुरा गया कृष्ण जन्मभूमि देखने, रातों रात अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गया, जब सुबह वापसी कर रहा है, प्रेमी और रास्ता वही है आगरा दिल्ली बाईपास रोड मथुरा मधुबन, जहाँ पर बाबा जयमंगल जी महाराज ने इन गरीबों की खून पसीने की कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। ऐसा मंदिर अलौकिक है जिसके लिए बाबा जी ने क्या कहा था, ये बच्चा विश्व की पहली इमारत होगी। अभी मंदिर का सात आने काम हुआ है, नौ आने बाकी है, जिस दिन पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, इसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको विश्व के लोग देखने आएंगे। बाबा जी ने अभी कहा मैं इसी मथुरा में हेलीकॉप्टरों का टाटा लगा के दिखा दूंगा, विदेशी आएंगे इस जमीन को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रस को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझकर मुंह में डालेंगे और रुमाल में बांध कर अपने देश लग जाएंगे। प्रेमियों अभी तो कुछ नहीं हुआ है और तुम कहते हो ये सब काम करने वाला चला गया, तो ये काम करेगा कौन?
किसी की बस की बात है ना सब काम करने की। आपको तो एक एक वचन संभाल के रखने चाहिए थे। जब वो अंग्रेज मंदिर के सामने आया, नाम ही सागर मंदिर तो हिंदी में लिखा, वो अंग्रेज था, बेचारा हिंदी जानता नहीं था, लेकिन मंदिर के चोटी पर क्या लिखा है, जय गुरुदेव टेम्पल। जब इसको देखा उसने, तब उसके आश्चर्य की सीमा टूट गई कि मैंने हिंदुस्तान के सारे विश्व में राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, हनुमान शंकर देवी देवताओं के मंदिर मैंने सुने हैं, लेकिन जय गुरुदेव टेम्पल पहली बार सुना। ये कैसा महापुरुष है, अजीबो गरीब नाम दे रहा। और इसीलिए बाबा जी ने कहा था, विश्व की पहली इमारत होगी जिसको लोग देख करके तमाम मनोकामनाएं पूरी कर लेंगे, अपने अशुद्ध खान पान भाव विचारों को अगर छोड़ देंगे तो उनको बरकत मिल जाएगी। ये सब वादा है गुरु का दिलाने का। जो प्रेमी मंदिर से दिला सकता, मंदिर तो चल है, आपने ये विचार कभी नहीं कर पाया। कहा बच्चा जो मंदिर का दर्शन करेगा उसकी एक मनोकामना पूरी होगी, जो अशुद्ध खान पान को यही छोड़ जाएगा उसको मंदिर बरकत दे देगा। जो जल से ये तुम्हारे काम कराने का की शक्ति रखता है तो स्वतः कितना काम कर देगा, तुमने इस पर विचार नहीं किया। आजकल कोई आज तक पत्थर से किसी ने काम कराया है, और बाबा जी ने वो भी तुम्हारा काम का मंदिर का दर्शन करो, एक मनोकामना पूरी हो जाए, अशुद्ध खान पान छोड़ जाओ, बरकत मिल जाएगी। ये काम आज तक किसी ने जल प्रताप से नहीं करा पाया। जब वो अच्छे मंदिर चल है, जब पत्थर से काम करा सकते तो स्वतः कितना काम कर सकते, आपने इस पर कभी विचार नहीं किया। फिर उसने गाड़ी खड़ी कर दी अंग्रेज ने, बड़ा आश्चर्य हुआ जो गुरुदेव टेम्पल का मैं पहली बार सुना। जब मंदिर के अंदर गया, बाबा जी ने पहले ही हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य लिखवा के रखवा दिया कि देशी विदेशी कोई आवे उसको यहाँ के साहित्य लिटरेचर की जानकारी में कोई परेशानी ना हो। तो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन उठाया, उठाकर जैसे पहला पृष्ठ खोल रहा है, जैसे उसने टेस्टी डाली कि साइंस ऑफ सोल उसके आश्रम की दूसरी सीमा टूट गई। आश्चर्य कि ये कैसा पुरुष है। हिंदुस्तान के विश्व में जितने ज्ञानी वैज्ञानी आए, सबने शरीर के विज्ञान की बात कही है, लेकिन ये महापुरुष कैसा अनोखा चुती विलक्षण है जो आत्मा के विज्ञान की बात कहा। साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, ये सुन करके उसके आश्चर्य की दूसरी सीमा टूट गई। जब अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो उसने जिक्र किया, मैं मथुरा से वापस लौट रहा था, मैंने सफेद मंदिर जय गुरुदेव टेम्पल, मेरे आश्चर्य की सीमा टूट गई। इस नाम का मंदिर मैंने हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं। और जब मैं मंदिर के अंदर गया, उनका लिटरेचर साहित्य साइंस ऑफ सोल आत्मा का विज्ञान पढ़कर मेरी तो सारी बुद्धि खत्म हो गई कि कैसा महापुरुष है। आपने कभी इनके बारे में कुछ बताया नहीं। गुरु जी ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? तो कई बार उसने अपनी भाषा में ओ माई गॉड करके संबोधन में कहा। साईं बाबा चुप बैठे सोच रहे हैं कि इसको हिंदी में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, चलो इसको इसकी भाषा में बता दे। बहुत बार पूछने पर साईं बाबा ने क्या जवाब दिया, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव, आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट क्रॉस। कहा मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे काम करने की सीमा है, मैं सीमा के बाहर न कर सकता हूं न बता सकता हूं। देखिए कैसे कह रहे हैं, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव, आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट क्रॉस, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी आर माइटी आर पावरफुल,
ही इज नॉट लिमिटेशन, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, असीम पुरुष है, उनकी कोई सीमा नहीं है। ये है प्रेमियों पहचानने वाली, जिनकी जीवात्मा की तीसरे आंख कान खुल जाते हैं वो संत सद्गुरु को पहचान सकते हैं, बाकी इन आंखों से सद्गुरु नहीं पहचाना जा सकता। इसीलिए गुरु ने अपनी पहचान के लिए, आपकी जीवात्मा के आंख कान खुलने के लिए आपको नामदान दिया था, नाम की इच्छी दी, जल्दी से आत्मा के घाट पर नाम की कमाई कर ले और आत्मा की आंख खुल जाए, तुमको हमारी सारी जो मैं करने के लिए आया हूँ ये सब दिखाई देगा और सब पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया और न तुमने कुछ किया। प्रेमियों, महापुरुषों का आगमन भारत भूमि पर अभी 750 वर्षों से, संत महापुरुष पुरुष में कोई अंतर नहीं, एक ही होते, कोई अंतर नहीं होता, एक ही होते हैं। और सत्पुरुष के जानशील है, सत्पुरुष अपना बोध, क्योंकि लोगों ने गुरु सदगुरु संत सबको भुला दिया है, तो मालिक खुद आया हुआ है और मालिक को किसी से परामर्श सलाह लेने की क्या जरूरत। और इसीलिए उन्होंने परिवर्तन की सारी भूमिका बिल्कुल इतिहास से अलग थक और हर युग के इतिहास से बिल्कुल अलग रखी, और आपने उसे समझ नहीं पाया। इसीलिए कहा गया है कि संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं इन दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जब जब हो गए धर्म की हानि, जब जब हो गए धर्म की हानि। पार है असुर अधम अभिमानी, पार है असुर अधम अभिमानी। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। सत्य गुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। सत्य गुरु आए हैं दया, मगर इन्हें कोई कोई जाने। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, आपस की भेदभाव ये फूट को मिटाई, आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आए हैं सबको गणेश लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया परेशानी, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया परेशानी, मगर इन्हें कोई कोई जाने। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई, निज घर जान
आए हैं सबको लिवाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने आए हैं सबको लिवाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने आए हैं सबको बुलाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने आए हैं सबको बुलाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने स्वामी आए हैं दया परसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने स्वामी आए हैं दया परसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने अगर राम को उनके माँ बाप ने पहचाना होता तो 14 वर्ष के लिए जंगल में रहने के लिए थे। अगर कृष्ण शक्ति को किसी ने पहचाना होता तो उनको मथुरा में ठिकने नहीं दिया गया। बाद में लड़ाई संघर्ष करके मथुरा पर कब्जा किया था। और हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब को इन मुसलमानों ने अगर पहचाना होता तो उनको मक्का से मदीना नहीं भगा दी थी। बहुत दबा किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर जिंदा ही चुनवा दिया गया। क्या सिखों ने पहचाना था? अरे पहचानने वालों की संख्या हमेशा कम रहती थी। तो जिस पर जा पर दया भाई सतगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फसले काल की जाल। जिस पर सतगुरु की महान दया कृपा होती है वही जीव अपने आप को काल माया के डर से बचा पाते हैं, अन्यथा इस काल माया ने किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको फंसा के रखा। तो आपको तो यह विचार करना चाहिए प्रेमियों, देखो समय हो गया और अभी आपको जाना भी है और मिले जुले में कितना कल तो 3-4 घंटे लग गए थे। मैं तो पहले ही आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ कोई छोटे बड़े की बात नहीं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं, सब एक ही गुरु परिवार है। इसमें शंका संदेह किस बात की? और वैसे वो परम पिता परमात्मा हम सबका एक ही है जिसने 484 लाख दुनिया बना दी। वो सब हमारे भाई तो हैं। तुमने यहाँ पर सिख और हिंदू और मुसलमान ईसाई नाम रख दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रख दिया, गरीब अमीर कह दिया, पराली का अनपढ़ कह दिया, स्त्री पुरुष कह दिया, लेकिन परमात्मा के दरबार में कुछ है। उसने एक चमड़े का खोल कमर ये बनाया और इस खोल कमर में अपनी जीवात्मा को बैठा दिया। सिर्फ इतना रखे, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, जीवात्मा सबने बनी है। और तो माया का जाल थोड़ा सा अंतर शरीर में कर दिया, बस उसी में स्त्री पुरुष में फंस गए, पुरुष स्त्री में फंस गए। यह फंसाने का उसका पहला जाल है, इसी जाल। लेकिन जब सदगुरु शरीर में जीव आता है तब संसार को भी, क्योंकि वो संसार से अलग रहने के लिए नहीं कहते, परिवार से अलग रहने के लिए नहीं कहते, समाज से अलग रहने के लिए नहीं कहते, कहते इसी परिवार समाज में बाल बच्चों के बीच में रहोगे तब तुम सब कुछ समझ जाओगे, शरीर को भी समझ लोगे और शरीर को चेतन रूप देने वाली जीवात्मा को भी समझ लोगे, दोनों काम तुम्हारे बन जाएंगे। इसलिए समय हो गया, एक प्रार्थना करो। अगर इस तरह की प्रार्थना आप आत्मा के घाट पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उस गुरु महात्मा से करते होते जिसने आत्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज में पहुंचाने का वादा किया, अगर उससे तुम ऐसी फरियाद ऐसी अर्चना वंदना प्रार्थना करते रहते हैं तो तुम कोई शंका संदेह में आ नहीं सकता और तुम्हारा तक काम शुरू हो जाता। इसलिए आत्मा के घाट पर बैठकर इस आत्मा से उस गुरु परमात्मा से मिला देना है।
उसकी प्रार्थना करो, भजन करो कि मुझको नहीं मालूम है, मेरे जीवात्मा को जगा दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम और मोसे पति तपन की और तुम पत्रा करो, ये लाश तुम्हारे हाथ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब गरुड़ घुमाण घमंड सब समाप्त हो गए चरणों में, तब तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हारे अपराध माफ हो जाएंगे और तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। इसलिए पहले मैं बोलूंगा सब लोग अपने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उस समय गुरु जो परमात्मा से मिलाने की आया उससे प्रार्थना करो। जय गुरुदेव, यह तुम्हारे अच्छे कोष में नहीं है, यह संतों के शब्द कोष में है। संतों ने जीवात्मा को सूरत कहा, विद्वानों ने जीवात्मा कहा, मुसलमानों ने रूह कहा और अंग्रेजों ने स्वर्ण कहा। नाम तुमने रखे हैं बात एक ही, उसमें कोई अंतर नहीं। तुम किसी नाम से कहने पुकारने लगो लेकिन परमात्मा का अंश है, इसमें तुम्हारे नाम रखने से कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए संत मार्ग से ये सूरत आई है और सत मार्ग से ही जाएगी, इसलिए इसको सूरत सत्य योग भी संतों ने कहा और इसका नाम उन्होंने सूरत रखा। मेरी सूरत जगा दो कुरुपैया करो, मेरी सूरती जगा दो कुरुपैया करो, मन की दुविधा मिटा दो कुरुपैया करो, मन की दुविधा मिटा दो कुरुपैया करो, बड़े भाग्य से इंद्र चन पाया, ब्रह्म का
करूं। जब से आया इस जगत जाल में, फंसता रहा काल इस माया की चाल में, फंसता रहा काल माया की चाल में। सत्य जगरिया दिखा दो गुरु पैया पढ़ू, सत्य जगरिया दिखा दो गुरु पैया पढ़ू। जय गुरुदेव इन नाम कली काला, गुरुदेव नाम कली काला, नाम का रंग चढ़ा दो गुरु पैया पढ़ू, नाम का रंग चढ़ा दो गुरु पैया पढ़ू। नित सत्संग मिले गुरु तेरे, नित सत्संग मिले गुरु तेरो, ध्यान भजन सिखा दो गुरु पैया पढ़ू, साचा सुमिरन सिखा दो गुरु पैया पढ़ू। दास सभी बिनवै कर जोरी, दास स्वयं बिनवै कर जोरी, सत गुरु हाथ में तेरे डोरी, सत गुरु हाथ में निजी घर को पहुंचा दो गुरु पैया पढ़ू, निजी घर को पहुंचा दो गुरु पैया पढ़ू। पैया पढ़ू गुरु जी बिनती करूं मैं, पैया पढ़ू गुरु जी बिनती करूं मैं, मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया पढ़ू, मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया पढ़ू। जय प्रेमियों, ये 3 दिवसीय